हेलो फ्रेंड्स, मैं बिन्नी कालरा। मेरे चैनल मदर डिलाइट्स में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो टॉफीज़, और इसके इंग्रेडिएंट्स की पूरी लिस्ट आपके सामने है। इसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें मैदा डालेंगे, अजवाइन, नमक, तेल, पानी डालकर इसका डो बनाएंगे। हमारा डो रेडी हो गया है। अब हम इसको ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, हमारा आटा बिल्कुल रेडी है, ना ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा ढीला है। अब हम इसकी लोइयां बना लेंगे। छोटी छोटी बनाएंगे। ऐसी ही सारी बना के रख लेंगे। सारे आटे के हमने पेड़े बना लिए हैं छोटे छोटे। इतने सामान से हमारे 16 टॉफी बनेंगी। अब हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। सबसे पहले हम पैन में तेल गरम करेंगे। अब इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया, चाट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला डालकर मिक्स करेंगे। अब इसमें बेसन डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक भूनेंगे। दो मिनट हो गए हैं। इसमें अब इसमें मैश किए हुए आलू डाल देंगे। नमक डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिलिंग ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको ऐसे हाथ में लेके ऐसे सारे तैयार कर लेंगे। पेड़ा उठाएंगे और उसे बेलेंगे। इसे थोड़ा लंबाई के आकार में बेलना है। अब इसमें 3 से 4 कट लगाएंगे। अब इसे हाथ में पकड़ेंगे। और इसको फोल्ड करेंगे।
पिंच करेंगे साइड से और इसको टॉफी का आकार देंगे। ये देखिए, ये हमारी सारी टॉफीज रेडी हो गई हैं। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। बस हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें टॉफीज डालेंगे। ये हमारे हर तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। हमारी पोटैटो टॉफी बिल्कुल रेडी हैं। आप इसे सर्विंग प्लेट में डाल के गर्मा गर्म सर्व कीजिए। गार्निशिंग के लिए आप इसके ऊपर धनिया की स्प्रिंकल कर सकते हैं। आप इसे सॉस के साथ परोसिए। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप इसे बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। एन्जॉय, बाय बाय।